हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज हम बनाएंगे आम की चटनी। आम की चटनी बनाने के लिए दो कच्चे आम काट के रखी हूँ, एक स्पून राई, एक 10 कलियाँ लहसुन, एक बाउल लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, एक स्पून ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, चटनी के तड़के के लिए आधा स्पून उड़द दाल, 5 कलियाँ लहसुन कूट के रखी हूँ, हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून राई, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी कड़ी पत्ता। अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई रखे गैस ऑन, एक स्पून राई डालेंगे। इसको ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, राई ऐसे ही फ्राई करना है। हल्का सा भून लेंगे जो उसका कच्चापन है वो निकल जाने तक। अब ये ऑलमोस्ट भून गए, अब इसको निकाल लेंगे बाउल में। एकदम हल्का सा भून लेंगे। बस हो गया ही। अब आप गैस बंद करेंगे और हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये ठंडा हो गया, हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा स्पून नमक डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे हम चटनी। ये देखिए ऐसा ग्राइंड कर ली मैंने। अब हम चटनी को कूटेंगे, मिक्सी के जार में पीसेंगे नहीं, क्योंकि उसकी चटनी का टेस्ट जो है वो पीसने से नहीं आता, वो कूटने से आता है। एकदम स्वादिष्ट बनेगा आपका चटनी। अब हम चटनी कूटेंगे। पहले हम जो मिक्सी की पाउडर इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधा स्पून वाटर। अब इसका कूटना शुरू करेंगे। बस अब एक एक मैंगो डालते डालते कूटते रहना। ये कूटने से चटनी एकदम स्वादिष्ट बनता है। मिक्सर में कैसे इतना स्वाद नहीं आता उसके अंदर चटनियाँ बनाना। ये देखिए ऐसा कूटने का चटनी, हमेशा आम का चटनी। एक छोटा पैन रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून ऑयल, एकदम थोड़ा। अब इसके अंदर डालेंगे हम राई, जीरा, उड़द दाल, लाल मिर्च, इसके अंदर लहसुन, कड़ी पत्ता, बस। अब गैस को बंद करेंगे और ये चटनी इसके अंदर डालेंगे। बन गया आम का चटनी।